जो आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए वो हर बंदे की डिफरेंट होती है राइट right? और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि आपकी एज आपकी यू नो you know, किस लाइफ साइकिल में है आप बिकॉज एज वी यू नो गो थ्रू लाइफ हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी उसके अलावा जेंडर पे हाइट वेट कोई करते हैं जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रजिस्टर्ड वजो काम करते फाइका दसते हैं कि समय, समय समय से पानी भी महत्ता जीवन बहुत ज्यादा है सार जो साठ परसेंट पानी बनिया है उस पानी निहायत ही जरूरी है आ, हम लोग खा तो लेते हैं अक्सर पानी नहीं पीते हैं ना, और उसकी वजह से कई लोग ओवर ईट भी कर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है लेकिन वो एक्चुअली प्यास होती है कई दफा ये सिग्नल हमारे ब्रेन में कंफ्यूज हो जाता है सो मेक श्योर आप पानी इनफ पी रहे हैं और Also, एक साथ पानी ना पिए सो मेकोर कि आपको जितना पानी पीना है वो डिवाइड करें over, over the hours. अगर पानी नहीं पीते उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है डिहाइड्रेशन से ऑफकोर्स प्यास ज्यादा लगती है आपके लिप्स ड्राई होते हैं आपको थकावट महसूस होती है सर दर्द हो सकता है वीकनेस हो सकती है रमजान का महीना चल रहा है लोग रोजे रख रहे किस तरह? लोग 14 तो 15 घंटे लंबी रोजे रखने दौरान संतुलित भोजन खाते रह सकते ने रमजान में भी आपने हेल्थी ईटिंग प्रैक्टिस करनी है आई नो ट्रेडिशनली हमारे जो फूड्स होते हैं बहुत रिच होते हैं बहुत ऑयली ग्रीसी डीप फ्राइड किस्म के फूड्स होते हैं सो ट्रेडिशनली पकौड़े समोसे इस तरह की चीजें हम लोग खाते हैं और मैं ये नहीं कहूँगी Uh, not, uh, you know, और वो आपको में भी देते हैं इनडेशन so, really like like uh, you know, uh, हो सकती है सो so, इन खानों को लिमिट करें रोजा रखन लगे या कोई भी फास्ट शुरू करने तो पहला किस तरीके देखा न खाना चाहता है ताकि तंदुरुस्ती बनी रहे फायका कहते ने टाइम पे यू नो मेक श्योर करना चाहिए कि आप इनफ खा रहे हैं लेकिन बहुत ओवरली फूड्स भी नहीं खा रहे राइट सो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए लेकिन आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी दे सके सो so इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट चूज करें सो so कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते सो so कुछ कार्ब्स होते हैं जिनको हम सिंपल कार्ब्स बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ कार्ब्स होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतने रिफाइंड या इतने प्रोसेस्ड होते हैं सो so, एग्जांपल्स जैसे कि फ्रूट uh, जूसेस हैं या कोई यू नो डिजर्ट्स हैं उसके अलावा कोई भी चीज जो रिफाइंड ग्रेन्स की बनी हुई है जैसे कि मैदे की बनी हुई है या वाइट फ्लावर की बनी हुई है रोटी हो गई या ब्रेड हो गई या वाइट राइस हो गए ये खाने बहुत जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है राइट सो नॉट अ गुड आइडिया जब आपका फास्ट ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टीन आवर्स और सो का है तो आपको खाने हैं कॉम्पलेक्स कार्ब्स राइट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो कार्ब्स हैं जो कि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं आपके बॉडी में वो इतने रिफाइंड नहीं होते इसलिए आपकी बॉडी को थोड़ा काम करना पड़ता है उनको ब्रेक डाउन करने में उनको डायजेस्ट करने में सो so एक तो आपका पेट भरा रहता है ज्यादा देर के लिए और वो आपको ओवर टाइम एनर्जी भी ज्यादा देते हैं सो so, इस तरह के कार्ब्स आपको इस टाइम पे खाने हैं एग्जाम्पल्स आ जाती हैं होल ग्रेन की चीजें होल ग्रेन की रोटी हो सकती है ब्रेड हो सकती है इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं जो अच्छे हैं हमारे लिए जैसे कि ओट्स हैं बार्ली या जौ है मिलेट अम लॉस ऑफ ग्रेन्स जो कि होल ग्रेन हो वो इस्तेमाल करें इसके अलावा आपके बीन्स हैं लेटस दालें जो हैं चने आ, बीन्स इनमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो रोज़ा खोलण की गल आ है तो आप भी रोज़े रख रहे दो बच्चों की माँ फाइका दसते ने कि इफ्तारी समय अजिहा भोजन खाना चाहिए, है जड़ा कि शाम को खाधे जाने तो बाद शरीर तंदुरुस्ती स्फूर्ति बनाई रखे क्योंकि आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होता आपको uh, ऐसा फूड चाहिए जो आपको एनर्जी दे उसमें खजूरें जो ट्रेडिशनली खाई जाती हैं दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन टू हैव बिकॉज दे गिव यू एक क्विक एनर्जी देते हैं आपको um, उसके अलावा मेक श्योर कि आप इनाफ पानी पिए इस टाइम पे सो एटलीस्ट लीस्ट टू टू थ्री कप्स ऑफ वॉटर कप्स जब मैं बोल रही हूँ तो वो जो स्टैंडर्ड कप होता है टू फिफ्टी एम का या एट एम्स का um, उस तरह के दो या तीन Uh, खा पानी के पिए एंड देन आप यू नो ऑल ऑफ पीपल वो प्रेयर के लिए ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अपना जो रेगुलर मील होता है वो खाए